नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की बुलेट सीरीज में हम लोग डे वन स्टैटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने दो लेक्चर कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर थर्ड है। आज के लेक्चर में हम लोग बहुलक यानी मॉड को कंप्लीट करेंगे, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को, और इसी के साथ ही हमारा डे वन जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉड या बहुलक की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो बहुलक होता क्या है, तो जो भी हमारा प्रेक्षण दिया गया है उसमें जो पद हमारा सबसे ज्यादा बार आया होता है वही हमारा बहुलक होता है। ठीक है, मतलब जिसकी बारंबारता महत्तम हो, जिस पद की बारंबारता महत्तम होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे। तो इसमें हम लोग दो प्रकार के, जैसे हमने अभी तक हर लेक्चर में किया है, दो प्रकार के आंकड़ों का जो है माध्य ज्ञात किया था, दो प्रकार के आंकड़ों का ही हमने माध्यिका ज्ञात की थी। तो इसी तरह हम लोग दो प्रकार के आंकड़ों का जो है वो बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। बहुत सिंपल सा होता है, क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हमें बारंबारता की टेबल बनानी है, बारंबारता तालिका बनाए, और दूसरे टेबल में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में, कि उस चर का मान ज्ञात करना है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो उस चर का मान जिसकी बारंबारता महत्तम, बस ठीक है, और वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको बहुत सारे आंकड़े दिए हैं और उसमें आपको ये देखना है कि किस चर की बारंबारता महत्तम है और उसी को आप क्या बोल देंगे, बहुलक बोल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है टाइप वन में 0651643026 और फिर साथ में 6, इन आंकड़ों में हमसे कहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आपका स्टेप हमने वन क्या बताया था, कि आपको टेबल बना लेनी है। ठीक है, अगर टेबल दी है तो वेरी गुड, और नहीं दिए तो आप बना लेंगे। जैसे जीरो की बात करें तो जीरो कितनी बार आया है, एक बार ही आया है। छह की बात करें तो 1 2 3 4 बार आया है। पांच की बात करें तो 5 हमारा 1 2 बार आया है। फिर 5 के बाद आता है हमारा 1, जो हमारा एक बार ही आया है। इसके बाद अंक की बात करते हैं हम 4, तो 4 हमारा आया है एक बार। इसके बाद हम बात करते हैं 0 की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 0 हमारा 2 बार आया है। 4 के बाद बात आती है 3 की, तो 3 भी हमारा एक बार ही आया है। 3 के बाद अगर हम बात करते हैं तो अब क्या बचा हमारा, 2 हमारा एक बार आया है। 6 हो चुका, 5 हो चुका, तो ये हमारी टेबल बन गई। ठीक है, स्टेप वन हमारा क्या होता है, जो भी पद दिए जाते हैं आप उनकी टेबल बना लो कि कौन कितनी बार आया है। ये हमारे पद थे और ये उनकी बारंबारता थी। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था, आपको उस बारंबारता को देखना है, उस पद को देखना है जिसकी बारंबारता क्या हो, महत्तम हो। तो यहां पर ऐसा कौन सा पद है, तो यहां पर हमारे पास एक ही 6 दिख रहा है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो अगर हम यहां पर बहुलक की बात करेंगे तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो बस 5 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, पहले टाइप का वर्गीकृत आंकड़ों वाला। जैसे ही आपको आंकड़े दिए जाते हैं सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे, उसमें आप सारे पदों को लिख लेंगे और उनकी बारंबारताओं को लिख लेंगे। जिस पद की बारंबारता महत्तम होगी वही उसका बहुलक होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुलक में टाइप 2 के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे वर्गीकृत आंकड़ों की का बहुलक। ठीक है, मॉड ऑफ ग्रुप डेटा। तो जैसे हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए किया वैसे ही बिल्कुल हमारा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, बस इसमें एक सूत्र की मदद हम लेते हैं और उस सूत्र की मदद से हम जो है वर्गीकृत आंकड़ों का जो भी है बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा वो सूत्र क्या है, बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f-f1-f2 और गुणे में h। ठीक है,
इस सूत्र की मदद से हमारे वर्गीकृत आंकड़ों का हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जितने भी राशियां दिए गए इनके बारे में बताते हैं आपको। एल क्या है? तो एल हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। इससे पहले बात आती है कि ये बहुलक वर्ग क्या है। जैसे ही आप सूत्र में जाएंगे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? बहुलक वर्ग। ये क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता महत्तम होती है उसी वर्ग को हम लोग क्या नाम देते हैं? बहुलक वर्ग नाम देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या निकाल लेना है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं उसकी जो निम्न सीमा होगी उसको हम लोग किससे दिखाएंगे? एल से दिखाएंगे। ये जो हमारा एफ है ये हमारी बारंबारता है उसी वर्ग की, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है ये। इसके बाद आपका बचा ये एफ वन और ये एफ टू। तो एफ वन क्या होता है? ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इससे जो पहले का वर्ग होगा उसकी बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता। इसी तरह एफ टू क्या है? ये जो हमारा बहुलक वर्ग है इसके बाद जो वर्ग आएगा से बाद वर्ग की बारंबारता। और अब कुछ बचा? हाँ, आपका एच बचा। तो एच क्या होता है हमारा? ये हमारा वर्ग अंतराल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए और ये आपका बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हो गया। बहुत आसान से सूत्र हो गया, तो बहुत आसान तरीके से निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको वर्गीकृत आंकड़े टेबल दी गई है, तालिका दी गई है, उसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि बारंबारता वाला वो देखना है, जिसकी महत्तम बारंबारता है वही वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होता है। फिर उस बहुलक वर्ग की मदद से हमें एल, एफ वन, एफ टू, एफ और एच की वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में रख देना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र हमारा बहुलक का क्या था? L प्लस एफ वन माइनस एफ सॉरी F माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू और इन टू में H। ठीक है, ये सूत्र हमारा है। यहां पर ये आपका F है केवल, या F नॉट भी से बोल देते हैं। F1 और F2 दिया हुआ है। ठीक है आपका, तो ये हमारा बहुलक का सूत्र है। तो बस हमें टेबल से सारी चीजें निकालनी और इस फार्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि हमारा सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, आपको बहुलक वर्ग निकालना है। बहुलक वर्ग क्या होता है? तो बहुलक वर्ग क्या होगा? जिस वर्ग की बारंबारता महत्तम होगी उसी वर्ग को हम लोग क्या नाम दे देंगे? बहुलक वर्ग। तो यहां पर अगर सबसे बाद हम देखें तो इस वर्ग की जो बारंबारता है वही सबसे ज्यादा है, तो इसी वर्ग का नाम हम क्या रख देंगे? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया 35 से 45। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को ही हम लोग क्या बोलते थे? एल बोलते थे। तो यहां से एल की वैल्यू क्या हो गई? 35। फिर बात करते हैं एफ की, तो एफ क्या होता था? इसी वर्ग की बारंबारता, जो कि हमारा है 23। उसके बाद हम बात करते हैं एफ वन की, तो एफ वन क्या होता था? इससे जस्ट पहले वाले की बारंबारता, मतलब 21। इसके बाद हम बात करते हैं एफ टू की, तो एफ टू क्या होता था? इसके जस्ट बाद वाली बारंबारता, यानी 14। तो ये हमारा सारी वैल्यू आ गई। अब रही बात एच की, तो एच हमारा कितना होता है? तो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है कितने का है? वर्ग अंतर 10 का। सारी वैल्यू मिल गई, सूत्र में रख दीजिए और आपको बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका L, L का मान है 35 प्लस ब्रैकेट F माइनस F नॉट, तो F का मान है 23 माइनस F1 का मान है 21। यहां पर हो गया 2 इंटू F, F का मतलब है 23 माइनस F1 का मतलब है 21 माइनस F2 का मतलब है 14 और गुणे में चल रहा है 10। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 35 प्लस ये बचा आपका 2, नीचे आपका बचा 11 और गुणे में क्या चल रहा है आपका? 10।
ये आपका हो गया 35 प्लस 20 बटे 11, इसको भाग कर देंगे तो ये हो गया आपका 35 प्लस 20 बटे जब 11 करेंगे, 20 बटे जब 11 करेंगे तो ये 1.8 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया 36.8। तो ये आपका क्या हो गया बहुलक। बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको एक सूत्र लिखना है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र के बाद आपको बहुलक का वर्ग ढूंढना है, और बहुलक वर्ग मिलते ही आपको एल एफ एफ वन एफ टू और एच की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में रख देना और आप सॉल्व कर लेंगे। तो डे वन की चौथी और एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी रह गई, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। ठीक है, इस बार आपका टीजीटी में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि आपको माध्य या माध्यिका या बहुलक में से किसी एक की वैल्यू गायब रहती है, बाकी दो की वैल्यू दे देता है और पूछ लेता है। तो बस आपको एक सूत्र याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस ये सूत्र आपको याद रखना है, आपको 3 में से 2 वैल्यू दी रहेंगी और एक वैल्यू आपको निकालनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रश्न इस पर बन चुके हैं और इस लेक्चर का ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपके 2-3 बार टीजीटी में प्रश्न बन चुके हैं। और इसी के साथ ही आपके लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी है और यहां पर आपका डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डे 2 करेंगे, डे 2 में हम लोग 11th क्लास का जितना भी स्टेट्स है उसको कंप्लीट करेंगे, और डे 3 में हम लोग जो ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत सेक्शन होगा और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हम लोग 3 दिनों में स्टेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो बस ये आपका लास्ट टॉपिक था, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध, जो आपका निकला बहुलक बराबर 3 माध्यिका गुणे माइनस का 2 माध्य। ठीक है, एक प्रश्न की मदद से इसको समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक वितरण में माध्य दिया है 25.68, माध्यिका दी है 25.73, तब बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने बहुलक का सूत्र देखा, बहुलक बराबर क्या हमने देखा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है, बस इस सूत्र में रख दीजिए। 3 गुणे माध्यिका का मान कितना दिया है 25.73, माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया है 25.68। ठीक है, गुणा कर लीजिए तो ये आपका हो गया 77.19, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 51.36, घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25.83। तो ये आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। बहुत ही आसान है, बस आपको कंफ्यूजन जहां भी होगा तो बस इस सूत्र में होगा कि माध्यिका माध्य बहुलक में, तो इसको 2-3 बार आप कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बस कि बहुलक बराबर जो होता है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, और इसमें से 2 वैल्यू आपको पता रहेंगी और एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका ये डे खत्म होता है। धन्यवाद।